नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रविवार को बीजेपी महिला मोर्चा के तत्वाधान में कुशा भाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में हर घर सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और वही कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य हुक्तवया सुनीता दुग्गल और पूजा विधानी ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नारी का सम्मान हमारी परंपरा है। विश्व में भारत एकमात्र देश है जो अपनी भूमि को मां का दर्जा देकर भारत मां के रूप में देश की पूजा करता है। छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना करके हम छत्तीसगढ़ की पूजा करते हैं। वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अपने उत्कृष्ट कार्यों से साहू समाज का नाम रोशन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष टहल सिंह साहू ने कहा कि समाज के अधिकारी कर्मचारी बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज को सही दिशा दिखाने का दायित्व बुद्धिजीवी वर्ग का है। साहू समाज ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक कुरूतियों को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, राम विचार नेताओं, पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ साहू अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन और सम्मान समारोह में विधायक सर्वश्री भोलाराम साहू, ईश्वर साहू, दीपेश साहू, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने भी शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने रविवार को छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जगदलपुर के तिरंगा चौक में संविधान शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस अभियान के तहत अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता की समस्या सुनने के लिए जनदर्शन कार्यक्रम किया, जिसमें बारिश के बीच भी भारी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में सीएम के जनदर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आम जन का उत्साह देखने को मिला। बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के निवास स्थान पहुंचे और इस बार हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भी लोगों में उत्साह देखने को मिला। सीएम विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आने वाले लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 6,200 से अधिक श्रमिक परिवारों को 11 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता राशि के वितरण का शुभारंभ करते हुए प्रतीक स्वरूप 12 हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की और इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पंडित दयानंद समेत उनके वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। लोगों में राशि वितरित करने को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। 20,000 मिली से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी बाई साहू मटपुर है ना, शिवनगर। मोर नाम है केशव राम साहू। मैं इलेक्ट्रिशियन के काम कर रहे हूँ, तो काम से वापसी जाते समय रोड एक्सीडेंट हो, तो श्रम विभाग की तरफ से 2.5 लाख मोला राशि मिले है। जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे महातारी वंदन योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर महातारी वंदन योजना शुरू करने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने में ये योजना कारगर सिद्ध होगी। महिलाओं ने बताया कि बहनों की राखी इस बार शानदार रहेगी।
भाइयों के लिए अच्छी मिठाइयां खरीदी है। मुख्यमंत्री ने 37वें राष्ट्रीय खेल में मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी महासमुंद निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजीता खलकु से भी मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इन खिलाड़ियों ने बताया कि 20 से 25 अगस्त तक इंटरनेशनल फुटबॉल में हिस्सा लेने दक्षिण कोरिया जा रही हैं। रायपुर जिले के ग्राम पंचायत परसुलीडीह में सरपंच से आग्रह पर मुख्यमंत्री ने परसुलीडीह के स्कूल भवन में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने के लिए जिला प्रशासन से अधिकारियों को जल्द से जल्द शेड निर्माण करने के निर्देश दिए। बालोदा बाजार जिले के डोंगरिया के किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि केमिकल प्लांट के खरीफ और रबी की फसल खराब हो गई है और इन पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों को जल्द राहत देने को कहा। और वहीं जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महतारी योजना का मेरा पैसा नहीं आया है, जब से फार्म भरी हूँ तब से एक बार भी नहीं आया है। नाम हुकुमलाल साहू, वार्ड नंबर 1 नया पारा दुर्ग से। ये मेरी माँ सीनियर सिटीजन रूपा भाई साहू। आज 15 साल से मैं आवास और रोजगार के लिए भटक रहा हूँ। सभी जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, निगम कार्यालय में सभी जगह आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई सहायता नहीं मिला है। इसी उम्मीद से आज सीएम साहब से मिलने के लिए आया हूँ। हो सके मेरी समस्या को सुने, समझे, मेरी आर्थिक स्थिति को देखे। मैं पैर से विकलांग हूँ, किसी प्रकार के सारे कार्य करने में असमर्थ हूँ। मेरे आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। मेरी माँ 80 साल की, मेरी माँ सीनियर सिटीजन है। न घर मिला, न रोजगार मिला, न आवास मिला, कुछ मिला। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं मकान मिलेगा ऐसा करके पूरा मंत्री मुख्यमंत्री के शासन काल में मकान देंगे ऐसा करके पैसा जमा करवा लिए। मैंने कर्जा लेकर के घर परिवार दोस्त यार से कर्जा लेकर मैंने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद भी मुझे न मकान मिला। आज मैं किराए के मकान में भटक रहा हूँ। मैं कहाँ किराया कहाँ से दुकाऊँ। इसी उम्मीद से, इसी सहायता के लिए, आवास और रोजगार के लिए मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सारथी। हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NULM के हम लोग सामुदायिक संगठक हैं। पहले हम लोग संविदा में थे, उसको फिर बाद में प्लेसमेंट कर दिया गया है। तो शायद सरकार से हम निवेदन करना है कि हम लोग 208 CO हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो हमको पुनः उसी पद पर स्थापित करे, हम लोग को संविदा कर दे और हमारी मानदेय में बढ़ोतरी करे। क्योंकि हमारे बाजू वाले प्रदेश मध्य प्रदेश में जो भी सामुदायिक संगठक थे इस योजना के, तो उनको किया गया है संविदा में। तो हम लोग उसी प्रकार से मांग रखने वाले थे कि हमको भी संविदा में किया जाकर, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मेरा नाम मेनका सोनवानी है, मैं ग्राम गोरभट्टी से आई हूँ। मेरे आंखों का इलाज मैं करवा रही हूँ और डॉक्टर ने बताया है कि आपके आंखों का लेंस लगेगा, जो इंजेक्शन बहुत महंगा आता है वो 50,000 का भी होता है, 30,000 का भी होता है। जो आंख का लेंस है वो सूख गया है ना, कैसे करके मुझे बोले हैं। और मेरा स्किन भी बहुत खराब हो चुका है, स्किन से भी मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत डॉक्टरी इलाज करा रही हूँ, फिर भी से ठीक ना, और मैं व्यय करने पर बहुत व्यय कर चुकी हूँ, फिर भी से ठीक नहीं हो रहा, इसलिए मैं यहाँ सुनकर आई हूँ। मैं ग्राम कसी बहरा निवासी हूँ, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम टेकलाल पटेल है, मेरे पिताजी का नाम दयाराम पटेल। मेरे श्रीमती के साथ मैं शायद सरकार साथ मिलने आया हूँ कि मेरे को गंभीर बीमारी है, सिपलिंग है, पीलिया है और मैं पैर से विकलांग हूँ। मैं सहयोग राशि के लिए शायद सरकार जी से अनुरोध करने के लिए आया हूँ, सहयोग राशि लेने के लिए। और मैं महिला जो महातारी वंदना जो दे रहा है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे श्रीमती दो पद बोलना चाहते हैं श्री साई सरकार के लिए। मैं डॉक्टर ललित सिंह ठाकुर, ग्राम करार भाटापारा, जिला बलौदा बाजार और छत्तीसगढ़ी लोक रामायण विधा में विदेश जाने वाले में पहली कलाकार, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया लिखने वाला पहली कलाकार गीत मोरे, आज वो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया आज व्यवहारिकता माँ है मोर शब्द। दूसरा चीज कि मैं पद्मश्री दावेदारी करत हूँ, रामायण में विदेश जाने वाले पहली कलाकार हूँ और छत्तीसगढ़ी लोक रामायण विधा में पद्मश्री की दावेदारी करने वाले आए हूँ मैं अनुशंसा के लिए। मोर नाम नारायण सिंह है, ग्राम अमेरी था, विकास खंड पटन,
जिला दुर्ग तहसील पटन समस्या हवे विकलांग हो गए हमें यहाँ सड़क दुर्घटना से बेटी के गाड़ी खाली पर आया हम मुख्यमंत्री हमार विष्णुदेव साय से मिले बार ओकर काम साय साय है कि थे विष्णुदेव साय के काम है साय साय है कि थे है चल गाड़ी उड़ी दी ही विश्वास करके आए हाँ जरूर लेके बैठ के जाऊंगी कि मैं आया हम कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री कार्यकर्ता हूँ मैं यहाँ और आज कार्यकर्ता है विकलांग हो गए तो मैं यहाँ कोई गाड़ी में बैठ के मीटिंग मन में जाऊँ आऊँ ऐसे ढंग के मैं आया हूँ और मोला की सांसद की विजय बघेल है फिकर मत कर विष्णुदेव साय है उसका काम साय साय तक हवे आप फिकर मत कर जावे तो मिल जाए सी के और तो सैलून दुकान के हवे काम करवे तो दुकान पर तक वह घर दी ही मकान दी ही और घर रह के मिट्टी के मकान चला पक्की तक कर ही वह हाँ विष्णुदेव साय है मुख्यमंत्री के है काम है बड़े विचित्र है साय साय है एकदम झट झटाझट फटाफट ऐसे ढंग के मुल्क गीत में हाँ कैसो करके व्यवस्था करके विकलांग हमें आया हाँ सर पर गाड़ी तक तो मिल ही मीटिंग वीटिंग ड्राइवर आ जाएगा अटपट राजा झटपट न्याय की थे और गरीब के साथी है गरीब के पालन हारे कि थे कैसे सोच के मैं आया हसन मोह चला वैसे की दुनिया के सुने तो ऐसे ढंग के मत सांसद विजय बघेल यही साहब बिल्कुल तो मिल ही जा घर मिल ही दुकान मिल ही और विकलांग की गाड़ी मिल ही और बिट्टी वाला मिल ही तो हर एक मीटिंग ते जावे और बतावे थे मुख्यमंत्री ला कि मैं हाँ पहले की महामंत्री रहे हाँ गिर गया तो क्या कर मीटिंग में आ जाए व्यवस्था नहीं है ऐसे ही के यही मिले बार आए हाँ मुख्यमंत्री तेरा आवेदन देवर कागज धर के आए हाँ है मकान के दुकान के सैलून के हाँ विकलांग के बेटी की गाड़ी मिल जाएगी के आशा लेकर के आए हाँ साय साय होकर काम है की विष्णुदेव साय की तरह है प्रधानमंत्री घर तक मिल जाए तो ऐसे ही की से पक्की मकान ऐसे ही के चल भाई ऐसे ही को के शरण में आए हाँ अब ओकर काम है भाई कत्ता साय साय हावे ते हाँ साय हावे विष्णुदेव साय की थे मुझे ओकर मिल लेता होगी क्या हाँ साय से धन्यवाद। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी लोगों की समस्याओं को लिखित आवेदन लिए और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में फिर से डायरिया का कहर जारी है। नवागढ़ ब्लॉक के अमोदा गांव में डायरिया ने 11 बच्चों को अपना शिकार बना लिया है और दो बच्चों की मौत भी हो गई है। डायरिया से बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गई है, वहीं गांव में कैंप लगाने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। एक दिन उल्टी हो दस्त हो दस्त होकर बाद में डॉक्टर बुलाए गांव के ठीक हो गए। शाम के खाना खाई दाल भात और बाद हाथ पल्ला रखना चालू तो पूरा नवागढ़ वहाँ लेके गए राशा भाट वहाँ इलाज करी देखी मैडम देखे बाद में जवाब देगी खत्म हो कुछ रोटी दस होते चलो हाँ एक रोज हुई अच्छा गोली खिलाए तो बंद हो तो उल्टी दस्त आओ कैसे तू बंद कहू घर में हवा थोड़े उल्टी दस्त नहीं नहीं, नहीं पानी कहाँ के पीता तुम पानी नल के तो साफ हवा नल के पानी पानी छान के पिया था अच्छा पानी छान के पिया था और कौन से नल के आते टंकी ले टंकी नया जल लगे थे वाला नहीं नया वाले नहीं पुराने वाले पुराना वाला तो बीच बीच में फट गए लेकिन हाँ फट गए हवा
गंदा मिले पानी आप क्यों गंदा मिले हवा कचड़ा उचड़ा मिले कहा चाहता तू ना इसमें गाँव में पानी साफ सुथरा चाहिए बच्चे लोग और इसे 5 साल की का हो रही है ओला उल्टी और वो है बाथरूम जाती से बार बार तेकर बाद ओला यहाँ हॉस्पिटल ले गई है हॉस्पिटल ले आज आज बाद में काय काय हो इस तरह नहीं नहीं जानते तेकर बाद आज इतना तो रास्ता में खत्म हो गया अभी कहाँ है वो बन अपन गांव के कुछ तो का चीज बहुत खराब तबियत कुछ पता चले ना नहीं पता पता का चीज वहां हो रिश्ता वहां ना सांस तो बस कर उल्टी और बाथरूम का चालू कर दी हां हां का नाम है सर रिसा आज के लिए सर अभी बेमुसर आए थे अपने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जिला पंचायत सचिव आए थे और सचिव महोदय आए थे एसडीएम मैडम आई थी और पटवारी थे सब आए थे और मरीजों के घर में जाके उनका हाल चाल पूछे कैसे हैं क्या हैं बीपी वगैरह भी चेक किए हम लोग वहाँ गए थे विटामिनों के साथ और अभी तक कल रात से ये हुआ है करीबन 12:30 से तो अभी तक 9 केस हम लोगों को मिले हैं ठीक है जिसमें से 9 में से 3 लोग बुजुर्ग हैं ठीक है मतलब एडल्ट हैं और बाकी जो है बच्चे जो 15 साल से कम की उम्र हैं तो अभी बच्चों को उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल थी अच्छी थी 2-3 बार दस्त हुआ था तो हम लोगों ने उनको घर में जाकर मेट्रोनिडाजोल की टेबलेट जिम का टेबलेट और डाइसाइक्लोमाइन और ORS का पैकेट दिए और सामने में खिलाए भी और पिलाए भी लेकिन सुरक्षा को देखते हुए BMO सर और SDM मैडम ने ये निर्णय लिया कि जो बच्चे हैं उनको CSC नवागढ़ में एम्बुलेंस के माध्यम से भर्ती कराया गया दो बच्चों की मौत की बात आ रही थी कौन कौन है बच्चे और कैसे हुआ क्या कारण सर दो बच्चों की मौत की बात जो आ रही है एक बच्चा कलेश्वर है कलेश्वर यादव वो सर 8 साल का उसको 2 दिन या फिर 3 दिन पहले डायरिया की शिकायत थी फिर वो दवाई वगैरह लिया तो ठीक हो गया था फिर अचानक से उसका तबीयत खराब हुआ तो वो लोग उसको नवागढ़ CHC लेकर एडमिट किए थे ठीक है तो वहीं उसका मतलब मृत्यु हो गया फिर एक और बच्ची है जो यहीं पढ़ रही थी जो भाईसर की है दिशा नाम से है उम्र 5 का उसको रात में दस्त हुआ और उल्टी भी हुआ फिर उसके घर वाले मतलब ऐसी दवाई लाए थे यहीं लोकल से फिर उसको खिलाए फिर उसके बाद रखे थे शायद ठीक थी कुछ लोग उसके बाद फिर हुआ फिर रात भर मतलब 6-7 बारह और हुआ तो फिर उसके बाद उनको सुबह 7:30 बजे यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए चांपा लेकर गए तो वहाँ बचपन हॉस्पिटल लेकर गए थे तो फिर वहाँ जाते ही फिर उसको मतलब मैं यहाँ पानी का प्रशिक्षण करने के लिए आई हूँ जल वाहिनी को पानी का प्रशिक्षण करना सिखा रही हूँ और यहाँ के कुआं है हैंडपम्प है उन सब के पानी को मैं टेस्ट करने के लिए यहाँ मंगाई हूँ यहाँ टेस्ट कर रही हूँ अच्छा अभी किसका किसका चेक किए हैं अभी हैंडपम्प और एक कुआं है वहाँ का पानी में टेस्ट की हूँ अभी कुआं का पानी गंदा है सर यहाँ का और हैंडपम्प है वहाँ तालाब के पास वो भी बहुत गंदा पानी है वहाँ उसमें से मतलब उसमें ना आयरन ज्यादा है और कुएं का पानी तो पूरी तरह से गंदा है अच्छा अभी और घर में जो पानी आ रहा है पाइपलाइन अभी ये है क्या बोलते हैं टंकी का पाइपलाइन का ये वाला पानी टेस्ट की ना तो ये कठोर है अच्छा कमान इनका कठोर है अच्छा तो डायरिया होने की संभावना है कैसे स्थिति में अब मैं तो पूरा उनसे उतना चेक नहीं की हूँ सर अभी कर रही हूँ है ना तो अभी कुछ सूचना मिली है आप लोगों को कोई खत्म हो गया बच्चे लोग हाँ सूचना मिली है यहाँ सूचना मिली तभी तो हम लोग आए क्या सूचना मिली यहाँ दो बच्चे ना खत्म हो गए एक 8 साल का बच्चा है और एक 5 साल का अच्छा। बोले हैं कि स्कूल से आने के बाद ना उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई एक तो हॉस्पिटल जा रहे थे रास्ते में ही मतलब खत्म हो गए और एक घर पे
अमोदा गांव में डायरिया फैलने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में कैंप लगाने के निर्देश दिए और पीएचई विभाग द्वारा पानी का परीक्षण भी किया जा रहा है। पानी के प्राथमिक परीक्षण में दूषित पानी घरों तक पहुंचना और उसे पीने का प्रयोग में लाना पाया गया। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि पीने का पानी पुराने पाइप लाइन और पुरानी टंकी से आ रहा है। कई जगह से पाइप लाइन टूट गई है, गंदा पानी पाइप के माध्यम से घरों में पहुंच रहा है, जिसके कारण अमोदा गांव में फैले डायरिया ने दो बच्चों को मौत की नींद सुना दिया है। डायरिया दो जने खत्म हुआ है बच्चे में और प्रकोप तो चलते है, कभी साफ सफाई नहीं है पानी उनी के सब है ना, तो इसे अभी डॉक्टर बना रहे, इसे अब इलाज उलाज कर इसे दवाई वही सैंपल उम्पल करके अपन लेगी सवाई, अभी दो चार जन आदमी लेगी सवाई मिले इसमें भी। अच्छा, तो ये पानी कहाँ पे था तुम अभी? वही टेप नल वाले से। अच्छा, टंकी वाला। हाँ, अभी नल जल वाला नया बने थे वाला उमा नहीं आ रहा पानी, उमा नहीं आता पानी, और पुराना वाला है कि मैं आता हुआ। तो साफ सुथरा पानी आता तो नहीं आवे बराबर, नहीं पंचर पंचर है बीच बीच में पाइप पर वहाँ से प्रवेश करते हैं। कहाँ चाहता तुम? साफ सुथरा चाहता ना, बच्चा बच्चा मन भी बढ़िया स्वस्थ रहे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से अच्छे से करे, ऐसे के चाहता साफ सुथरा, तब तो शरीर भी तंदुरुस्त रही, बीमार बुमार पड़क रहे। डायरिया से हुई बच्चों की मौत के बाद गांव के दुर्दशा अधिकारियों के सामने आ गई। चरमराई सफाई व्यवस्था और पानी में फैल रही बीमारी ने गांव की व्यवस्था के साथ साथ नल जल योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब बच्चों की मौत के बाद क्या शासन और प्रशासन नल जल योजना की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।